कथन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहूं मऊ जो करते रहते हैं, चाहूं मऊ जो करते हैं, भारत में क्यों रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धर्मशाला इकाई ने केरल के वायनाड में पशु चिकित्सक का कोर्स कर रहे छात्र की रैगिंग और उसकी हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि पशु चिकित्सक का कोर्स कर रहे द्वितीय वर्ष के सिद्धार्थ की रैगिंग कर उसे यातनाएं देकर उसकी हत्या कर दी गई। कॉलेज के में एक घटना होती है, इस घटना में पता लगता है कि SFI के कार्यकर्ताओं द्वारा सिद्धार्थन नाम के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले छात्र को पहले जहां रैगिंग की जाती है और उस रैगिंग में भी किस तरह से रैगिंग की जाती है उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो दिल दहलाने वाला दृश्य सामने आता है, जहां पता लगता है कि स्टूडेंट जहाँ घर जा रहा होता है उसे वापस बुला करके हॉस्टल में रहने वाले अन्य SFI के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले उस बच्चे को जो है सिद्धार्थन को जो विद्यार्थी को पहले मारा जाता है, पीटा जाता है, रॉड से मारा जाता है और पहले जहाँ बेल्ट से मार करके मारने के बाद जब बेल्ट टूट जाती है तो उसके बाद जो है वो रॉड और वायर के साथ जो है मारने का प्रयास SFI के गुंडे करते हैं और उसके तहत जो है लास्ट में थक हार कर जहाँ सारे कपड़े उतारने के बाद उसे नग्न अवस्था में पूरे हॉस्टल में घुमाया जाता है SFI के कार्यकर्ताओं द्वारा और उसके बाद लास्ट में थक हार कर वो छात्र सिद्धार्थन अपने जान से हाथ गवा बैठता है। क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर और प्रशासन जो कि डीन जहाँ जो उस हॉस्टल के वार्डन भी है 50 मीटर की दूरी पर रहने के बावजूद भी वो छात्र को बचाने के लिए उन जो छात्र उसकी रैगिंग कर रहे थे SFI के गुंडे उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई करते हैं। अंततः विद्यार्थी परिषद जब इस मुद्दे को उठाती है उसके बाद जा करके ये पूरा दृश्य सामने में आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जहाँ इंटरनल ऑर्गन तक जो है वो डैमेज हो चुके थे, भूख की वजह से एक दाना अंदर पेट में नहीं था, पानी तक पीने नहीं दिया गया उन गुंडों के द्वारा सिद्धार्थन को, इसलिए जो है उस सिद्धार्थन को विद्यार्थी की मौत हो जाती है। के लिए विद्यार्थी परिषद आज यह हल्ला बोल कर रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। छात्र के सम्मान में परिषद है।